लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दल अपने राजनीतिक समीकरण बिठाने में लगे हैं। 2024 लोकसभा के चौसर पर सभी दल अपने राजनीतिक बिसात बिछाने पे लगे हैं, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ने राजनीतिक शतरंज पर अपने घोड़े को ढाई चाल आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद से विपक्ष की सभी टेढ़ी चाल को नाकाम कर दिया गया। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक के पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के पैन इंडिया प्रोजेक्ट की पहली झलक 18 जुलाई को होने वाले एनडीए की बैठक में दिखाई देगी। इस बैठक में शिवसेना के शिंदे गुट के साथ ही एनसीपी के अजीत पवार धड़ भी शामिल होगा। इसके साथ ही लोक जनशक्ति के प्रमुख चिराग पासवान की एक बार फिर एनडीए में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। रविवार को ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने पटना में चिराग पासवान से मुलाकात की। रविवार को एलजेपी के नेताओं में बैठक हुई, जिससे गठबंधन पर फैसला लेने के लिए चिराग पासवान का अधिकृत कर दिया गया। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने ये कहा है कि चिराग जो भी फैसला लेंगे पार्टी को वो स्वीकार होगा। चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की अटकलों पर उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया। पासवान ने बीएनआई को ये बताया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्य के चुनाव को लेकर गठबंधन करने को लेकर पार्टी नेताओं ने मुझे अधिकृत कर दिया है। एनडीए की बैठक में एनसीपी को अजीत पवार धड़े की तरफ से प्रफुल्ल पटेल शामिल हो सकते हैं। बगावत से कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने उन्हें सुप्रिया सुले के साथ एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इसके अलावा पार्टी की अपने दो पूर्व सहयोगियों तेलुगु देशम पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ चर्चा भी चल रही है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पिछले महीने ही जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी विपक्षी एकता को मात देने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है। भगवा दल इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस मोर्चे पर बीजेपी विपक्ष को मात देने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के बीजेपी के साथ आ जाने से एनडीए का कुनबा बढ़ गया है और बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। वहीं बिहार में चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा को साथ लाकर बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है। वहीं यूपी में ओपी राजभर का बीजेपी के साथ आना लगभग तय है। इसके अलावा खबर है कि आरएलडी के जयंत चौधरी ने भी बीजेपी की बात चल रही है और वो भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। एक तरफ छोटे छोटे दल को अपने साथ जोड़कर बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई पीएम उम्मीदवार हैं जो राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं। वहीं टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे दल कांग्रेस को बंगाल, पंजाब, दिल्ली और यूपी उनके लिए छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।